So, hello everyone. Hello everyone. So, quickly come to the session. जल्दी जल्दी आ जाइए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि एवरीवन इज एबल टू हियर मी और नॉट. सो जल्दी जल्दी आ जाइए जिससे कि हम इस सेशन को स्टार्ट करें. आज का सेशन जो होने वाला है, वैसे तो देखने को ये वल्नरेबिलिटी थोड़ी कॉमन है. मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स नो अबाउट ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी, बट द थिंग इज हम सबसे पहले समझेंगे ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या कर सकता है, क्या क्या इसके इश्यूज आ सकते हैं. ओके, सो आज की क्लास में हम दो लैब सॉल्व करेंगे, ऑथेंटिकेशन समझेंगे. स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट से आ जाइए और मुझे बता दीजिए कि कौन कौन बैठा है. प्लीज प्रेजेंट लगा दीजिए और प्लीज 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 बता दीजिए कि आवाज क्लियर आ रही है, सब कुछ प्रॉपर आ रहा है, नहीं आ रहा है. आप पीछे ऑफिस देख सकते हैं. अभी जस्ट मैं अपने ऑब्वियसली वर्क प्रोसेस से कंप्लीट हुई हूँ, सब जा चुके हैं, मैं बैठी हूँ सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए. तो प्लीज जल्दी जल्दी आ जाइए सो दैट वील स्टार्ट. बीच में जो भी क्वेश्चंस रेज होते हैं आप पूछते चलिएगा, तो मैं आपको आंसर देती जाऊंगी, लेकिन मैं लास्ट में आंसर दूंगी. पहले मैं कंप्लीट करना चाहूंगी अपना पूरा ट्यूटोरियल. ऑल राइट, सो दिस साइड रिद्धि सोरल फ्रॉम हैकर्स ब्लॉग एंड आई एम टेकिंग दिस सेशन ऑन ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी. नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट. ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी क्या होता है? सबसे पहले समझना चाहिए, जब भी मेरी आप कोई भी वीडियो देखेंगे आपको हमेशा सबसे पहले थ्योरी पार्ट मिलेगा. आप थ्योरी पार्ट समझें, प्रैक्टिकल पार्ट समझें, उसके बाद ही आप कोई लाइव बग हंटिंग पे जा सकते हैं. ठीक है, सो जनरली हम बहुत सारी वेबसाइट्स देखते हैं, बहुत सारी जगह देखते हैं, तो वहां पे हमें मिलता है कि किसी ने हमें बोला कि यूजर नेम पासवर्ड इजीली एक्सप्लॉइट हो गया. हर वेबसाइट पे, हर एप्लीकेशन में जब भी कोई क्रेडेंशियल्स पुट करने होते हैं हम हमेशा यूजर नेम पासवर्ड्स डालते हैं. सो उसका रीजन क्या होता है कि हम प्रोटेक्टेड रहें आउटसाइड मिस हैपनिंग से. हमेशा हम प्रोटेक्टेड रहें आउटसाइड मिस हैपनिंग से, इसीलिए हम यूजर नेम पासवर्ड्स रखते हैं अपनी साइट पे. पर अगर वो यूजर नेम पासवर्ड कोई अनोनिमस पर्सन आके हैक कर लेता है एंड उसका मिसयूज कर लेता है, आपके क्रेडेंशियल्स देख लेता है, उसको वेबसाइट पे डाल देता है, पब्लिक कर देता है, या अंदर जाके कुछ भी मिस हैपनिंग कर देता है, सो वहां पे हमारे पास जो वल्नरेबिलिटी आती है वो ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी आती है. ऑल राइट, सो ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी क्या होता है, किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, आज हम वो चीज समझेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद दिस. आई थिंक सबको आवाज आ रही है ना क्लियर? ऑलराइट, सो आपको सबसे पहले समझना होगा कि ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ऑथेंटिकेशन पार्ट क्या क्या कर सकता है, किस तरीके से ये वल्नरेबिलिटी हो सकती है. ऑलराइट, सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब भी कभी आप वेबसाइट पे बैठते हैं सबसे मेन इम्पोर्टेंट मेरा पार्ट जो रहता है वो एक मैनुअल टेस्टिंग पे फोर्स करती हूँ मैं, और एक मैं आपको वल्नरेबिलिटी प्रिडिक्ट करना सिखा सकती हूँ. ठीक है, तो मेरे जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं आपको हमेशा उसमें वही चीज मिलेगी कि किस तरीके से हम वल्नरेबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. अगर आप वल्नरेबिलिटी को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं तो आप किसी भी लाइव साइट पे अटैक कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि वल्नरेबिलिटी क्या बताना चाह रही है या ये वल्नरेबिलिटी क्या बताएगी. ऑलराइट, सो आगे चलते हैं. सो बेसिकली पहले समझते हैं ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी क्या होता है. ध्यान से समझना, इट हैज बिकम वेरी कॉमन फॉर ऑलमोस्ट ऑल वेबसाइट्स टू हैव लॉग इन फंक्शनैलिटीज फॉर देयर यूजर्स. हमेशा हर वेबसाइट पे आपको लॉग इन फंक्शनैलिटी मिलेगी. तो जब भी आपको कभी भी वेबसाइट पे लॉग इन फंक्शनैलिटी मिल रही है तो वहां से आप ये चीज समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से अपना एक पैसेज बना के उस पर चलें, किस तरीके से हम फाइंड आउट करें डिटेलिंग. ओके, अ यूजर साइन अप विद ईमेल और यूजर नेम एंड अ पासवर्ड विदाउट थिंकिंग ट्वाइस,
has become easier to visit the website back again with the help of browsers or plugin caching. ओके सो अब जनरली क्या होता है, सो जब भी कभी हम वेबसाइट पे बैठते हैं या अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू से बैठते हैं या नॉर्मल पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से बैठते हैं, तो हम क्रेडेंशियल्स फिल करते हैं, हम ईमेल आईडी भी डालते हैं, हम पासवर्ड्स भी डालते हैं, हर हर चीज़ को हमें फिल करना रहता है. पर आर वी थिंकिंग कि वो चीज़ कैश मेमोरी में तो स्टोर नहीं हो रही, वो चीज़ कहीं हमने यूजर नेम पासवर्ड इस तरीके का तो नहीं डाला जो इजीली हैकेबल हो, इजीली उसको कोई भी फाइंड आउट कर सके, कोई एक छोटा सा अटैक लगे या कोई भी. जनरली पहले वेबसाइट्स में क्या होता था, एडमिन एडमिन क्रेडेंशियल्स आ जाते थे, रूट एडमिन ऐसे क्रेडेंशियल्स आते थे, तो वो चीज इतनी कॉमन हो गई थी कि अटैकर को पता है. आज हम भी, टू बी वेरी पर्सनल, अगर आज हम भी वेबसाइट्स पे बैठते हैं और देखते हैं कि यार इसका अगर हम प्रिडिक्ट करें तो हम क्या करेंगे, सो हम उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसमें ये चीज देखेंगे कि रूट रूट डाल के देखते हैं, एडमिन एडमिन डाल के देखते हैं, आप समझ पा रहे हैं. तो जनरली एक माइंडसेट क्रिएट हो गया कि इसमें डमी क्रेडेंशियल्स डाल के देखते हैं, मे भी चल जाए. और इसीलिए बोला जाता है कि अपने पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने यूजर नेम को स्ट्रॉन्ग रखें. ओके सो अनफॉर्चुनेटली द सिक्योरिटी थ्रेट्स आर ऑल्सो ऑन द राइज एज एंड इट बिकम ईजियर फॉर हैकर्स टू सेल द क्रेडेंशियल्स ऑन द डार्क वेब और पब्लिश ब्रीच्ड डेटा ऑन पेस्ट साइट्स. Hijack social media accounts for clicking, baiting or funding transactions. So it going to be very common. जिस जिस के भी जो भी questions है please drop करते चलिएगा. Hello everyone, जो जो भी sessions में आए हैं thank you so much for attending. अब please attend करते रहिएगा तो आपको समझ में आता रहेगा. अब हम समझते हैं कि कैसे अटैकर ऑथेंटिकेशन को यूज करता है, उसको मिस यूज करता है, और फिर हम उसके बाद समझेंगे कैसे हम उससे डिफेंड कर सकते हैं. ऑलराइट, सो होपफुली ऑथेंटिकेशन पार्ट यहां तक सबको समझ में आ गया है. प्लीज ड्रॉप येस इन द चैट विंडो. विवेक, इफ यू वॉन्ट ऑफलाइन चैट, ऊपर फॉर्म गिवन है, प्लीज उसे फिल कर दें आप, सो टीम विल अप्रोच यू. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हर कोई ये चीज पूछता है ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, एंड मतलब ऑथेंटिकेशन वर्क कैसे करता है, ऑथेंटिकेशन हाउ डज इट वर्क, किस तरीके से वो वर्क करता है. सो ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क इज प्रोवाइडेड बाय HTTP. HTTP ऑब्वियसली ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क HTTP के थ्रू है. जब भी हमारे पास रिक्वेस्ट हम देते हैं, रिस्पॉन्स हमारे पास आता है, तो उसको प्रिडिक्ट करने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है और हमें समझ में आना चाहिए. ऑलराइट, सो ध्यान से देखिएगा, कल ही जब तपन सर ने आपका सेशन लिया था तो उन्होंने बताया था आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बारे में ओपन रीडायरेक्ट सेशन में. ऑलराइट, सो आज हम आपको उसी ऑथेंटिकेशन के बारे में सीरीज बताएंगे. ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क इज प्रोवाइडेड बाय HTTP विच इज यूज बाय सर्वर टू चैलेंज अ क्लाइंट रिक्वेस्ट. हमेशा HTTP के थ्रू हमारे क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट होगी. सो इज यूज्ड बाय सर्वर टू चैलेंज अ क्लाइंट रिक्वेस्ट. क्लाइंट रिक्वेस्ट को चैलेंज करने के लिए ये चीज यूज होती है. हेलो एवरीवन, जिसके जो भी क्वेश्चंस है प्लीज ड्रॉप इट, एंड फिर मैं एक बार सेशन कंप्लीट कर लूँ, फिर आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी. बाय द वे, मैंने एक मैसेज देखा, आपका भाई टेक्निकल मैम जावास्क्रिप्ट ऑडिट वीडियो टू फाइंड वेलेबल. डेफिनेटली आई हैव रिटन दिस, डोंट वरी. मैंने आपकी ये पार्ट, ये पर्टिकुलर लिख रखा है जावास्क्रिप्ट पे किस तरीके से, पता है. इवन मैं जावास्क्रिप्ट पे सोर्स कोड रिव्यू की वीडियोज भी लेकर आऊंगी, ठीक है ना. सो डोंट वरी, आपको हर चीज मिलेगा. थैंक यू सो मच रोहित फॉर द काइंड अमाउंट, थैंक यू सो मच. प्लीज आप ध्यान से देखते चलिए, जिस जिसको लगे वैल्यूएबल है चीज प्लीज आप ड्रॉप करते चले अमाउंट, एज वेल एज आप प्लीज लाइक भी करते चले, समझते भी चले, ठीक है ना. तो अभी पहले पढ़ते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चनिंग्स पे आएंगे. ओके ऑलराइट,
क्लाइंट रिक्वेस्ट विद 401 स्टेटस कोड मीनिंग अनऑथराइज्ड. ओके, तो जब भी 401 आएगी चीज, उसका मतलब होता है अनऑथराइज. एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू ऑथराइज विद www.authenticating response header. आज हम वो चीज भी देखेंगे किस तरीके से हमें ऑथेंटिकेशन पता चलेगा, किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन लीक हो रहा है, ऑथेंटिकेशन अच्छा वर्क कर रहा है या ऑथेंटिकेशन बैड है. ठीक है, तो वो किस क्रेडेंशियल्स पे हमें पता चलेगा, हम वो चीज देखेंगे. अब देखिए फटाफट से ये डायग्राम देखिए, जिसके जो भी क्वेश्चंस है प्लीज ड्रॉप कर दो चैट विंडो में, मैं आपको पूरा अपना आज का ट्यूटोरियल बता के ही आपके आंसर्स दूंगी. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए क्लाइंट और सर्वर का दे रखा है. ठीक है ना, सो क्लाइंट और सर्वर में आपको बता रखा है, आप अगर डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से रिक्वेस्ट आ रही है एंड रिस्पॉन्स आ रहा है. हमेशा हमारे पास, अभी हम देखेंगे इधर भी देखिए आपके अकॉर्डिंग ही आंसर मिल रहा है. 401 40 पे किस तरीके से एरर आ सकती है. सो ऑथेंटिकेट में बेसिक रील में आपको दे रखा है एक्सेस टू द स्टेकिंग साइट, मींस जब हमारे पास एक रिक्वेस्ट गई तो उसका सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया, अनऑथराइज आया, फिर हम यूजर के थ्रू एक पर्टिकुलर की पास करेंगे एंड उसका रिस्पॉन्स आएगा 200. ओके, ठीक है ना, और 401 फॉरबिडन. ठीक है, तो किस तरीके से रिक्वेस्ट वर्क करती है, ये सारी रिक्वेस्ट के बारे में आपको एक बार बता रखा है, ये सारी चीजों के बारे में आपको बता रखा है कि किस तरीके से 401 एरर होती है, 402 एरर होती है, 302 एरर होती है, 200 पर्टिकुलर चीज होती है. मींस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में, रिक्वेस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं जो हम समझ सकते हैं. ऑल राइट, आगे चलते हैं. अब आता है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन इज अ बेसिक इंक्लूडेड इन ऑथराइजेशंस. हमेशा, अब कई बार क्या होता है, कोई की पास हो रही है, कई बार हमारे पास होता है कि कभी कोई क्रेडेंशियल्स आ रहा है. आज हम देख सकते हैं ब्रूट फोर्स होते हैं, वो भी तो ऑथेंटिकेशन को बाईपास करने के लिए होते हैं. ओटीपीज होते हैं, वो भी ऑथेंटिकेशन को बाईपास करने के लिए होते हैं. ये सारी चीजें उसके लिए वैलिड होती हैं. ऑल राइट, अब टाइप्स ऑफ अटैक्स अगर हम देखना चाहेंगे तो टाइप्स ऑफ अटैक्स क्या क्या हो सकते हैं. ब्रूट फोर्स, एज यूजुअल मैंने अभी आपको बताया, ब्रूट फोर्स अटैक होता है, क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक होता है, पासवर्ड स्प्रेइंग होता है. ठीक है ना, सो ये कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन अटैक्स बन सकते हैं जब भी हम ऑथेंटिकेशन की बात करें. ऑल राइट, सो आज हम ब्रूट फोर्स को ही देखेंगे कि ब्रूट फोर्स पे अगर हम ब्रूट फोर्स को यूज करते हैं तो उससे किस तरीके से हम पर्टिकुलरली एरर फाइंड आउट कर सकते हैं या ऑथेंटिकेशन वीक साबित कर सकते हैं कि वेबसाइट में ऑथेंटिकेशन वीक है. ऑल राइट, सो होपफुली यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स किस तरीके से हम समझ सकते हैं और क्या क्या अटैक्स हो सकते हैं. पहले अब हम अटैक करके देखेंगे, उसके बाद हम उसका डिफेंडर समझेंगे. सो आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर है. प्लीज ड्रॉप द मैसेज यस इन द चैट विंडो, प्लीज यहाँ पे ड्रॉप करें. किसी को कोई डाउट आता है तो ऊपर फॉर्म दे रखा है वो फिलअप करें, या कॉमेंट्स में आप मैसेज कर दें वीडियो के बाद भी, या आप इंस्टाग्राम पे आके वहां पे मैसेज कर सकते हैं. होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, प्लीज ध्यान से समझते चलिए. ओके, प्लीज जल्दी से बता दीजिए किस किस को समझ में आ रहा है. ऑल राइट, अमिश मिश्रा बोलते हैं यस, थैंक यू. ढाके चना मूर्ति, इफ यू आर हेयर इन द क्लास आई आई टेल यू वन थिंग, आई एम स्टार्टिंग वन इंग्लिश चैनल स्पेशली फॉर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश इंग्लिश वीडियोस, बिकॉज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी टोल्ड मी दिस. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमोरो, वी आर स्टार्टिंग आर इंग्लिश वीडियोज ऑल्सो. सो जिस जिसको भी इंग्लिश वीडियोज देखना हो दे कैन कम देयर ऑल्सो. यही चीज हम पढ़ाएंगे वहां पे,
हेयर वी आर इन हिंदी, वहाँ पे हम इंग्लिश में रहेंगे, एंड वो क्राउड हमारा मेनली यूके यूएस के लिए रहेगा. ऑल राइट, सो अगर कृष्णमूर्ति अगर आप हैं तो प्लीज येस लिख दें. इमोर्टल वेब जस्ट अभी ज्वाइन हुआ, वेरी गुड, अभी ज्वाइन हुआ, प्रैक्टिकल अब स्टार्ट हो रहा है, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड. हम सीएमडी पे चलते हैं, आईपी देख लेते हैं. आज की क्लास थोड़ी छोटी लूंगी, बट प्लीज स्टे कनेक्टेड जैसे सके. सो हमारा आईपी एड्रेस ये है. अब हम फायरफॉक्स खोल लेते हैं. और कोई भी इंटरेस्टेड है चैट गिवन में तो प्लीज जरूर दीजिएगा चैट अमाउंट, मुझे अच्छा लगेगा. एंड हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज आप भी अच्छे से पढ़ें, वीडियोस सीखें, प्रैक्टिकल साथ के साथ करें. इधर पहले हम अपना पोस्ट विगो की लैब खोल लेते हैं. मुझे किसी ने मैसेज किया था, मैं आंसर देना भूल गई, कि मैम वेब ऐप की लैब्स, पोस्टविगो की लैब, ये सारी लैब्स बेकार हैं, आप लाइव पे सिखाओ. सो आई विल टेल यू वन थिंग, अगर आप लैब्स को बेकार बोल रहे हैं तो टू बी वेरी पर्सनल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस मैं अगर इसमें डाल दूँ तो मैं आपको बता दूँ कि आप कभी भी कोई भी चीज़ नहीं सीख पाएंगे. अगर आप लैब्स के लिए ये कहते हैं ना कि लैब्स तो बेकार है, लैब्स तो फालतू है, टाइम वेस्टिंग है, सो आई टेल यू वन थिंग, लैब अगर आपने सॉल्व नहीं करी, कोई सी भी लैब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पोस्टविगो लैब, कोई सी भी लैब आप ले लें, अगर आपने लैब सॉल्व नहीं कर रखी तो आप कितना भी पढ़ लें, कितनी भी वीडियोज से हमसे सीख लें या किसी और से सीख लें, आप कभी भी प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे टास्क. लैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और अभी जो मैं लैब सिखा रही हूँ, जब आप लाइव हंटिंग करेंगे, अगर आप बिल्कुल ध्यान से सीखते हैं ये, तो आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी. पोस्टविगो लैब पे चलते हैं. सो आई एम हियर with the session, where is my authentication videos? Alright, so अभी हम जो देखेंगे वो username enumeration via different responses है. So don't take it कि अरे फिर lab करा रहे हैं. आप lab कीजिए, ये एक तरीके से आप CTF करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं. CTF की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे, आप बिल्कुल ध्यान से समझे. अब देखिए, यूजर नेम इन्यूमरेशन वाया डिफरेंट रिस्पॉन्सेज है, ठीक है. सो इसमें क्या होता है, दिस लैब इज वल्नरेबल टू यूजर नेम इन्यूमरेशन एंड पासवर्ड ब्रूट फोर्स अटैक. सो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जब भी आप ब्रूट फोर्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ब्रूट फोर्स एक बहुत इजी और ट्रिकी वल्नरेबिलिटी होती है, एंड बहुत वल्नरेबल वल्नरेबिलिटी होती है. ओटीपी बाईपास हो सकता है और इसके थ्रू हम काफी सारी फाइंडिंग्स भी फाइंड कर सकते हैं. सो आज का जो हमारा ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी का फर्स्ट वीडियो है, वो वीडियो हमारा यूजर नेम इन्यूमरेशन वाइल डिफरेंट रिस्पॉन्सेज है. ओके, सो इसको ध्यान से समझते हैं. कैंडिडेट यूजर नेम है, कैंडिडेट पासवर्ड है. यहाँ पे हमें ऑलरेडी लिस्टिंग गिवन है कैंडिडेट यूजर नेम्स की. जरूरी नहीं है यूजर नेम्स हम यहीं से लें, हम यूजर नेम अपने डिफरेंट गिटहब से पेलोड्स में भी निकाल सकते हैं, वरना डिफरेंट यूजर नेम्स हम बना भी सकते हैं. पर सिंस पोस्टविगो की लैब है, उसने हमें चीजें प्रोवाइड कर रखी है, तो हम उसे यूज करें. जब हम लाइव साइट्स पे जाते हैं या जब आप एक्चुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, सो उस टाइम पे आप इस चीज को ध्यान रखें कि आप इसे कर, मतलब आप वहां पे किस तरीके से अपने इनपुट्स लगा सकते हैं या यहाँ लैब के इनपुट्स लगा सकते हैं, तो आपको आइडिया रहेगा कि आप ये यूजर नेम्स किस तरीके से पुट कर रहे हैं. ऑलराइट, सो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें.
यहाँ पे यूजर नेम आपको गिवन है, ये सारे यूजर नेम गिवन है, हम इसको यूज करेंगे। और साथ के साथ इन्होंने हमें पासवर्ड्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, सो हम इसमें पासवर्ड्स भी देंगे, ठीक है ना। तो ये लैब शायद मैंने अभी दिन में ही सॉल्व करी थी, क्योंकि जब भी आपको कितनी भी प्रैक्टिस हो, आपको कितनी भी चीज आती हो, पर नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट, ओके। तो हमेशा आप प्रैक्टिस करते रहें, हम आज भी प्रैक्टिस करते हैं, आज भी हम आपके लिए जो ट्यूटोरियल्स लाते हैं, जो वीडियोस लाते हैं, जो पीपीटीज लाते हैं, जो प्रैक्टिकल्स लाते हैं, उसका ऑलरेडी पहले हम 3 से 4 बार प्रैक्टिकल करके आते हैं, भले ही वो आती हो चीज, बट स्टिल प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये टेंडेंसी आप अपने अंदर भी डेवलप करें। ऑलराइट, सो यहाँ पे पासवर्ड्स दे रखे हैं, पासवर्ड्स की भी लिस्ट उन्होंने यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रखी है। ऑलराइट, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम एक्सेस द लैब कर लेते हैं। साथ ही साथ हम अपना वर्क सूट भी ऑन कर लेते हैं। वर्क सूट ऑन कर लें, वर्क सूट को भी मार्क कर लें आप। ओके, सो जिस जिसने भी मेरी डे 1 से मींस बग बाउंटी 1 से लेके बग बाउंटी 20 तक वीडियोस देखी हैं, उनको पता होगा कि किस तरीके से हम फायरफॉक्स के साथ वर्ब सूट को एम्बेड करते हैं। ऑलराइट, जिसके जो जो भी क्वेश्चंस है प्लीज ड्रॉप करते चलेगा चैट में, सो दैट मैं देखती चलूंगी, ठीक है। तो यहां तक हुआ, अब एक बार हम इसको भी प्रॉक्सी से सेट कर देते हैं। और प्रॉक्सी से सेट किया, एक बार रीलोड करके चेक करते हैं। प्लीज ड्रॉप करते चलिएगा चैट विंडो में कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना प्रॉपर। ऑलराइट, एक बार बॉब सूट की हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। यस, चल रहा है, माय अकाउंट पे जाते हैं। माय अकाउंट पे जाने के बाद, ऑलराइट, यस, प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं वो यूज कर लूंगी, अदरवाइज नो इश्यूज। सो रैंडम हम यूजर नेम डालते हैं रिद्धि, एंड पासवर्ड में डाल देते हैं 1 2 3 4 5। ओके, लॉग इन करते हैं, ऑब्वियसली वो इनवैलिड बताएगा। हम इसकी रिक्वेस्ट को चेक करते हैं वर्ब सूट में, पोस्ट रिक्वेस्ट को चेक करेंगे। होपफुली आप सबको दिख रहा होगा, प्लीज ड्रॉप इन द चैट विंडो। प्लीज ड्रॉप इन द चैट विंडो कि दिख तो सबको प्रॉपर रहे ना, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड्स गिवन है। ओके, यहाँ पे हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड्स गिवन है जिससे हमने लॉग इन किया है, हम उसी को ही आगे यूज करेंगे। ऑलराइट, हम उसको ही आगे यूज करेंगे, वेरी गुड।
ऑलराइट, सो फटाफट से चलते हैं। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम इसको इंट्रूडर में लेके चलेंगे। ओके, हम इंट्रूडर में लेके जाएंगे। इंट्रूडर में हमारे पास, हम स्नाइपर यूज करेंगे। अगर हमें यूजर नेम पासवर्ड दोनों यूज करना है तो हम पिचफॉक यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम स्नाइपर यूज करेंगे। अगर पहले यूजर नेम को करना है और सेकंड फिर हमें पासवर्ड को करना है तो नीचे से यूजर नेम सेलेक्ट किया एंड उसको हम ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं वो ऐड हो गया है। ठीक है, मेरा मेन मोटिव यही है कि आप भी करते चलें इसका प्रैक्टिकल, अभी साथ के साथ करें या सेशन के बाद देख के करें, पर आप करें जिससे आपको भी आए। रिद्धि, ओके, सो अब हम क्या करेंगे, पेलोड्स पे जाएंगे। पेलोड्स को सबको सेम रखेंगे, जो हमें वर्क सूट ने प्रोवाइड कर रखे हैं पेलोड्स हम उसको यूज करेंगे, क्योंकि ये अभी उसकी लैब चल रही है। यूजर नेम है, हम यहाँ से डाल लेते हैं यूजर नेम। स्नाइपर जो हमने वर्क सूट में यूज किया है यहाँ से कॉपी करेंगे, वर्क सूट में चलेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। स्टार्ट अटैक करेंगे, सिंस कम्युनिटी वर्जन है तो वो इश्यू बोलेगा बट वो कर देगा, तो आप इसको टेस्ट करना शुरू करेंगे। ऑलराइट, सो मेक श्योर जब भी आपका ये स्कैनिंग चल रहा है या ब्रूट फोर्सिंग अटैक चल रहा है, स्नाइपर हमने जो यूज किया वो इसके लिए इसलिए यूज किया क्योंकि हम एक यूजर नेम का पहले टेस्ट कर रहे हैं फिर पासवर्ड को टेस्ट करेंगे। होता है, देखते चलें कौन कौन साथ में कर रहा है। होने वाला है, सो फटाफट से। अगर हमें अभी पोस्ट वेगन ने दे रखे हैं, ऐसे अगर आप कहीं से पेलोड्स निकालते हैं या आप ऐसे ब्रूट फोर्सिंग के यूजर नेम्स निकालते हैं तो वहां से हमें पता चल जाएगा। होने वाला है, होने वाला है, सो होपफुली आप लोग भी सब मेरे साथ चल रहे होंगे। फटाफट फटाफट एंड फाइनली यहाँ पे हो रहा है। अब इसको चेक करने का एक तरीका होता है, हमारे पास जो लेंथ में जो नंबर्स आ रहे हैं अगर इसमें से कोई नंबर डिफर है तो वो नंबर हम उसको चेक करेंगे, उसका रिस्पॉन्स, उसका रिक्वेस्ट चेक करेंगे। अगर वहां पे वो इनकरेक्ट या इनवैलिड बता रहा है तो हम उसको एक बार यूज करके देखेंगे। फिनिश हो गया, अब इसकी लेंथ को चेक करते हैं। देखिए सारे नंबर सेम आए थे, सारे नंबर सेम थे, एक नंबर डिफर निकला है, दैट इज AL। तो हम इस AL को यूज करते हैं, इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ मैं। और यहाँ पे जो पोजीशन है, क्योंकि हमने स्नाइपर यूज किया है इसलिए हमें एक-एक को चेक चेंज करना रहेगा। मैं यहाँ पे AL यूज करूंगी। अब पासवर्ड की बारी, अब हम पासवर्ड को ऐड करेंगे, यहां से इसको क्लियर करेंगे। पासवर्ड लिस्टिंग्स पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे, स्टार्ट अटैक करेंगे। ये अटैक होता जाएगा, अब
जब तक ये अटैक चल रहा है तब तक मैं क्वेश्चंस रीड कर लेती हूँ, कौन कौन क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है। आपका भाई टेक्निकल मैम, यू मेड वीडियोज ऑफ एक्सरसाइज बट इट्स नॉट वर्क इन रियल वर्ल्ड वेब। हाउ कैन वी प्ले विथ फायरवॉल सच एज क्लाउड फेयर्स अप में, वॉट हाउ टू बाईपास इट। ओके, आपको फायरवॉल बाईपास करना है, क्लाउड फेयर बाईपास करना है, तो जो मैंने एक्सरसाइज वीडियोज आपको बताई है वो तो वेबसाइट की है। फायरवॉल्स को बाईपास करने के लिए तो फायरवॉल कि कॉन्फ़िगरेशंस में हमें चेंजेस करने रहेंगे। एक्चुअली आपका भाई, आप आई थिंक डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मंथन बागड़ी बोलते हैं, रियल में वेबसाइट पे ब्रूट फोर्स नहीं लगता। भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, ब्रूट फोर्स नहीं लगता। सिंस वी आर बाउंडेड कि हमने जो ऑडिट्स करी हैं हम वो वेबसाइट शो नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओपनली पब्लिक नहीं कर सकते हम वो वेबसाइट्स, उस पे लीगली साइन रहते हैं कि आप इसको रिपोर्ट को लीक ना करें। अदरवाइज मैं आपको दिखाती, अगर अभी हमने सपोज जितनी भी वेबसाइट टेस्ट करी है, 1000 वेबसाइट करी है, 2000 वेबसाइट करी है, उसमें से 50%, आई एम टेलिंग यू, उसमें से 50% वेबसाइट्स या मोबाइल एप्लीकेशन पे ब्रूट फोर्स अटैक लगता है और निकलता है। आप जो बोले ना रियल वर्ल्ड में नहीं लगता, रियल वर्ल्ड में लगता है और बहुत इजीली लग जाता है। यहाँ तो फिर भी मैं आपको इतना कुछ करके दिखा रही हूँ, वहां बहुत इजीली लग जाता है। ओके, फायरवॉल ब्लॉकिंग योर एक्सेस स्क्रिप्ट, तो फायरवॉल्स को बंद कर दो ना। फायरवॉल्स कैसे ब्लॉक कर रहा है, फायरवॉल को एक बार बंद करके चेक करो, बताओ मुझे। अब यहाँ पे देखिए सारे इतने बड़े नंबर्स हैं, प्लीज यहाँ पे देखिए फटाफट से, सारे के सारे नंबर्स हैं। एक छोटी लेंथ वाला आया है पासवर्ड, इसको चेक करते हैं। सो जो हमारे पास लॉगिन है उसमें हम AL रखते हैं और पासवर्ड में रखते हैं जो अभी हमें मिला, दैट इज पासवर्ड। ये जो ऊपर रिटर्न में है इसको, इसका रिस्पॉन्स भी चेक कर लेते हैं, 302 फाउंड आ रहा है, तो हम इसको लिख के देखते हैं पासवर्ड। हम इसमें पासवर्ड रखेंगे एंड क्लिक करके देखते हैं, एंड हियर वी हैव सॉल्व द लॉग। सो आई थिंक आपको ब्रूट फोर्स समझ में आया होगा। ओके, सो जो भी क्वेश्चंस हैं वो अभी हम देखते हैं, पहले आप ये चीज समझ लें। होपफुली आपको यहाँ तक का ये ब्रूट फोर्स समझ में आया होगा कि वो अटैक लग गया है एंड हमने उसका अकाउंट ओपन करा है। सो आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया है। प्लीज क्विकली टेल मी यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया है। जिसके जो भी क्वेश्चन है प्लीज ड्रॉप इन द मैसेज, मैं फिर आपको बताऊंगी। ओके, सो आई थिंक यहाँ तक का ये ब्रूट फोर्स वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। हमने पहले यूजर नेम लिए, फिर हमने पासवर्ड्स लिए, स्नाइपर्स में हमने एक-एक को किया, एंड देन हमारे पास जो भी उसमें लेंथ में डिफरेंट नंबर आया उसका हमने रिस्पॉन्स चेक किया। अगर रिस्पॉन्स उसका बताया कि हाँ ये फाउंड है या ये इनकरेक्ट है, उसको यूज किया हमने यूजर नेम और पासवर्ड में, एंड फाइनली हमने उसको उस पे ब्रूट फोर्स लगा दिया। यूजर नेम कैसे पता चला, वेरी गुड क्वेश्चन। हैकर वॉल सेज मोबाइल पे हो सकता है, या ऑफ कोर्स मोबाइल पे हो सकता है। मोबाइल पे इन सेंस यू आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल एप्लीकेशन, और यू आर टॉकिंग अबाउट कि ये अटैक हम मोबाइल पे एक बार प्रैक्टिस करके देख लें। मुझे नहीं लगता मोबाइल पे इतने ढंग से कर पाओगे आप, क्योंकि वेबसाइट भी रहेगी और वर्कसूट भी रहेगा, दोनों कॉन्फ़िगर कैसे करोगे मोबाइल पे। बेटर है आप इन सब चीज़ों के लिए लैपटॉप लें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हैकर होल्ड, आई थिंक आप यही चीज़ मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। औरों के क्वेश्चन जो मैंने अभी ऊपर से स्किप किए, मैं अभी आती हूँ दोबारा पूछने के लिए, ठीक है। पूछूंगी, आंसर दूंगी, डोंट वरी। पहले अपन आगे चलते हैं। अब ये चीज आपने जो क्वेश्चन पूछी यूजर नेम कैसे पता चला, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ यूजर नेम कैसे पता चला। एक्चुअली मैंने यूजर नेम का डिलीट कर दिया है, मैं पासवर्ड का बता देती हूँ।
देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये एक पैटर्न होता है, जब भी हम ब्रूट फोर्स को फाइंड आउट करते हैं या ब्रूट फोर्स अटैक फाइंड आउट करते हैं, जब भी आप इस लेंथ को चेक करेंगे, जब भी आप इस लेंथ को चेक करेंगे तो आपको ये फाइंड आउट होगा कि जो भी इसमें डिफरेंट नंबर आ रहा है उसको आप चेक करें। अब जैसे देखिए, आपने पासवर्ड देखा, यहाँ पे 302 आ रहा है, फाउंड लिखा हुआ आ रहा है नीचे हमारे रेस्पॉन्स में, इसका मतलब ये हमारा पासवर्ड है। बाकी और सब पे सिर्फ 200 ओके आ रहा है, मतलब रिक्वेस्ट गई है, रेस्पॉन्स आया है, ठीक है ना। तो उसमें इतना पता नहीं चल रहा जितना हमें 302 स्टेटस पे पता चल रहा है, इसलिए हमें पासवर्ड पता चला। और ऐसे ही यूजर नेम भी हमें मिला है, आप चाहेंगे तो यूजर नेम का मैं दोबारा दिखा सकती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैंने वो बंद कर दिया। अदरवाइज यूजर नेम भी, जब भी यहाँ लेंथ में कोई डिफरेंट नंबर आएगा तो हम उसको, उसके रेस्पॉन्स को एक बार रीड करेंगे। अगर रेस्पॉन्स बताया जा रहा है तो हम उसको यूजर नेम और पासवर्ड दोनों जगह पुट करेंगे, मीन्स यूजर नेम को यूजर नेम में पुट करेंगे, पासवर्ड को पासवर्ड में पुट करेंगे एंड हिट करेंगे। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज ड्रॉप इन द चैट विंडो किस किस को ये अटैक समझ में आ गया। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब मैं एक बार क्वेश्चंस रीड कर लेती हूँ। पहले हम इसका एक स्लाइड और जो बच गई है उसको हम देख लेते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म, किस तरीके से हम सेफर साइड हो सकते हैं। थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन दैट रिक्वायर्स नो पासवर्ड, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे सोशल मीडियाज होते हैं, सब जगह होती है, वहां पे ये बहुत इजी होता है कि हम इजीली हम उसमें पासवर्ड्स डालते हैं, रिमेम्बर पासवर्ड्स डाल देते हैं। सो वो चीज़ थोड़ी सी डेंजरस हो जाती है, ठीक है ना। वो चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, ठीक है। फिर आता है सिक्योरिंग ओन ऑथेंटिकेशन सिस्टम, खुद का ऑथेंटिकेशन सिस्टम सिक्योर करें। कैसे करेंगे, आप लॉग इन साइन अप पे ध्यान दें, आप उसमें ये चीज देख लें कि पर्टिकुलरली जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो कैश मेमोरी में स्टोर तो नहीं हो रहा, यूजर नेम पासवर्ड कैश मेमोरीज में स्टोर तो नहीं हो रहे। तो ये सारी चीजों को आप देख पाए, हम एनालाइज कर पाए, समझ पाए, उस चीज के लिए ये चीज बहुत रिक्वायर्ड होती है कि हम अपने ऑथेंटिकेशन सिस्टम को सिक्योर बनाएं, ठीक है। जब भी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो वहां पे रिक्वायर्ड नो पासवर्ड ऐसा चीज दिख रहा है, या रिमेम्बर पासवर्ड दिख रहा है, या कहीं पे भी कोई भी चीज स्टोर हो रही है, तो उस चीज से बचे। लास्ट आता है यूजर नेम पासवर्ड आर स्ट्रॉन्ग, यूजर नेम एंड पासवर्ड को आप स्ट्रॉन्ग रखें, ओके। यूजर नेम पासवर्ड शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पेशल कैरेक्टर्स उसमें यूज होने चाहिए, लोअर अपर केस यूज होना चाहिए, ओके। अगर आप हो पाए तो कैप्चा यूज करो, हालांकि कैप्चा भी बाईपास होता है, नो इश्यूज, पर ऐसे ही आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में पुट कर सकते हैं। ध्यान रहे, बाईपास किसी भी चीज को कर सकते हैं, कैप्चा भी बाईपास होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी बाईपास होता है, तो मल्टी ऑथेंटिकेशन भी कुछ हद तक अनोनिमस हैकर्स के पास होगा कि इसको भी बाईपास कर सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि बचे कैसे, तो ये सारी चीजें हम बचने के लिए यूज करेंगे। जैसे सपोज क्या हुआ, आज मैं कहीं गई, या सपोज कोई भी एक अनोनिमस पर्सन है, या कोई भी आप में से है, मार्केट जाता है, हम घर को लॉक करके जाते हैं, ठीक है। अब घर पे अगर हम एक छोटा सा ताला लगाएंगे, मे बी वो काम नहीं करे, हम स्ट्रॉन्ग ताला लगाएं, हम इंटरनल लॉक्स लगा दें, है ना, हम सायरन वाले लॉक्स लगा दें, तो ये सब चीजें क्या, लॉक तो वही है, लॉक वही चीज है, उसको तोड़ा भी जा सकता है, नो डाउट। तो इसी तरीके से हम ये जो प्रिकॉशंस यूज कर सकते हैं, करते हैं, उसको भी तोड़ सकते हैं हैकर्स, पर हम उसको कितना सटीक तरीके से यूज करते हैं, कितना अच्छे ढंग से हम उसको यूज करते हैं, वो मैटर करता है, ठीक है। सो ध्यान रहे, आप जब भी कोई चीज यूज कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल प्रॉपरली यूज करें।
आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। अब मैं सबके क्वेश्चंस रीड कर लेती हूँ जिससे कि जो भी किसी का भी डाउट है तो पता चल जाए। नीचे से चलते हैं, जिसका कोई भी डाउट है प्लीज ड्रॉप इन द मैसेज। आयरन मैम बोलते हैं प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बग बाउंटी एंड और हैकिंग। देखो स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी फील्ड ही वही होती है, प्रोग्रामिंग आएगी तो भी अच्छा रहेगा, नेटवर्किंग आएगी तो भी अच्छा रहेगा, सर्वर आएगा तो भी अच्छा रहेगा, वेब एप्लीकेशन आएगा तो भी अच्छा रहेगा। जब अगर आपको प्रोग्रामिंग आएगी तो आप बहुत अच्छे ढंग से सीख सकते हैं दूसरी चीजें, अटैक्स बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, सोर्स को रिव्यू बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। एंड्रॉयड लाइव हैक करके दिखाओ। ओके, एंड्रॉयड लाइव हैक चाहिए आपको, ग्रेट। आपका भाई टेक्निकल मैम सॉल्व प्लीज एक्सपर्ट लेवल। ओके, आपका भाई टेक्निकल बोलते हैं सॉल्व प्लीज एक्सपोर्ट लेवल। या डेफिनेटली एक्चुअली क्या है, अभी जितनी भी मैंने पोस्टफिगर की लैब्स बनाई है ना, आप सबको देखना, मैंने प्रैक्टिशनर या मीडियम वाला पेरेंथेसिस वाला जो पार्ट है मैंने वही सॉल्व करके दिखाए, क्योंकि जो एक्सपर्ट वाला पार्ट है वो मैंने छोड़ा है। वो छोड़ा इसलिए नहीं है कि भाई अब छोड़ दिया है, नहीं, उसकी मैं मेंबरशिप वीडियोस ऑलरेडी बना रही हूँ। 1 दिसंबर से वो रिलीज हो जाएंगी, या शायद 25 नवंबर से रिलीज हो जाएगी। पूरा का पूरा पोस्ट विगर लैब आपके सामने रहेगी विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। कुछ ये डमी प्रैक्टिकल्स हैं, ये जो ऊपर के जो कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं वो मैंने आपको सेशंस में दिखाए हैं, और जो मैथ्स एक्सपर्ट लेवल है या जो अपेरेंथिस लेवल है वो मैं आपको मेंबरशिप में दूंगी। सो डोंट वरी, सारी लैब सॉल्व होगी, आपको सब चीज मिल जाएगी, ठीक है। आपका भाई टेक्निकल पूछता है कि मैम फायरवॉल वर्क ऑन सर्वर साइड, हु कैन प्ले विद WAF। ओके, हाँ हाय मैम, हेलो मैडम, मुझे ओपन रीडायरेक्ट के गूगल ड्रॉप दे दो। आप सर की कल वाली वीडियो ले लो, ओपन रीडायरेक्ट वाली, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मंथन भागरी, यजीदी आ गया, ग्रेट, थैंक यू। हैकर वर्ल्ड बोलते हैं मोबाइल से एक्सेस तक कर सकते हैं। यस, वहां तक हो सकता है, क्योंकि एक्सेस प्लेस की, ठीक है, एक्सेसेस में हमें बर्प सूट की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सेसेस में हमें हाई लेवल की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए बर्प फोन से हो सकता है। आप काली लाइनेक्स यूज कर सकते हो, मैं लाइनेक्स सीरीज भी लाऊंगी, पर अभी मेरा पोस्ट फिगर का चल रहा है, ऑलमोस्ट मेरे पोस्ट फिगर लैब खत्म होने वाली है। कुछ ही प्रैक्टिकल्स अब बचे हैं जो मुझे लाइव में लाने हैं, वो आई थिंक मैं 30 अगस्त तक फिनिश कर दूंगी। मंथन भागड़ी बोलते हैं ये सीधी समझ में आ गया, बट ये बोलना चाहता हूँ कि वेबसाइट में ब्रूट फोर्स लग जाता है बट कंपनी ओनर्स अलाउ नहीं करते। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, ब्रूट फोर्स लग रहा है तो आप उसका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चेक करें, उसके स्क्रीनशॉट्स लें एंड आप उसको आगे पास कर दें, मतलब आप रिपोर्ट में बना के कंपनी को दे दें, वहां तक भी चलता है। पर उससे पूरा आप लॉगिन खोलें वो नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कई बार हो भी जाता है, जो बिल्कुल ही थर्ड ग्रेड सिक्योरिटी होती है कंपनी वालों की तो वो भी हो जाता है, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक मैंने सबका जवाब दे दिया है। मैम फायरवॉल वर्क्स ऑन सर्वर, आपका भाई टेक्निकल बोलते हैं मैम फायरवॉल वर्क्स ऑन सर्वर साइड, आई कैन कंट्रोल इट। बेसिकली आई अंडरस्टैंड आप जिस फायरवॉल की बात कर रहे हैं, फायरवॉल्स वर्क्स ऑन सर्वर साइड विच वी यू कैन नॉट कंट्रोल इट, बट जब हम वर्क कर रहे हैं तो हमारे ऐसी कुछ डिफिकल्टी नहीं आ रही। आपका भाई टेक्निकल, आप ऐसा कर सकते हैं, ये लाइव सेशन खत्म होगा, आप एक बार प्रैक्टिकल करें, आपका जो एरर आता है ना आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टाग्राम पे दे दो, तो मैं एक बार एरर रीड करके आपको जरूर सजेशन दे सकती हूँ। आई थिंक मैंने सबके आंसर्स दे दिए हैं, किसी का कोई डाउट बचा हो तो बताइएगा। रोहित बोलते हैं मैम प्रोग्रामिंग कैसे सीख सकते हैं और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। एक्चुअली प्रोग्रामिंग की भी मैं वीडियोस बनाने की सोच रही हूँ बट अभी बन नहीं पा रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप खुद देख सकते हैं पूरा ऑफिस चला गया, आई एम ओनली द पर्सन लेफ्ट इन द ऑफिस, सिर्फ वीडियो लाइव लाने के लिए कि मैं आपके साथ लाइव ऑलमोस्ट डेली आ सकूँ, इसलिए मैं अभी रुकी हुई हूँ, अब मैं ऑब्वियसली घर जाऊंगी। सो प्लीज ड्रॉप इन द चैट विंडो
समझ में आ गया आज का ट्यूटोरियल? कैसा लगा आज का आपको प्रैक्टिकल? प्लीज ड्रॉप इन द चैट विंडो. हाय हेलो बोलते हैं. नाइस टीचिंग, कीप डूइंग. थैंक यू सो मच. स्पाइडर बोलते हैं, मैम मेरी चैट पढ़ लो प्लीज. बोलो क्या बोल रहे हो. यूजर इन पीस, अगर आप सर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सर विल रिप्लाई यू ऑन इंस्टाग्राम. आप मेरे से पूछेंगे तो आई विल आंसर यू ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है ना. एक्चुअली एक ही इंस्टाग्राम यूज करते हैं. इफ यू आर पुटिंग मी ऑन पर्सनली, ठीक है मैं उधर भी रिप्लाई कर दूंगी. और अगर आप हैकर ब्लॉग है, आप हैकर ब्लॉग ऑफिशियल पे डालें ना, तो वहां पे रिप्लाई मिलेगा आपको, ठीक है ना. डोंट वरी. हाँ मंथन भागरी इज गुड. आप फायरवॉल स्किप वाले पेलोड्स देख सकते हैं, नो डाउट. ओके स्पाइडर बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी में जॉब दिलवा दो. डेफिनेटली आप मुझे लिंक्डइन पे जो हमारा चैनल है हैकर ब्लॉग का, लिंक्डइन पे जो चैनल है, आप मुझे उस पे अपना रिज्यूम सेंड कर दो. हमारे पास रिक्वायरमेंट आती रहती है, आप जरूर देखिएगा उसको. रोहित आप वीडियो परचेज करने का सोच रहे हैं, प्लीज परचेज करें, नो डाउट. ब्लू मून बोलते हैं, मैम आई एम इन 12th, आई वांट टू बिकम एथिकल है. प्लीज ऊपर जो लिंक दे रखा है ना ब्लू मून, आप उसको उसको फिल कर दें प्लीज. हाँ पासवर्ड्स हैक हो सकते हैं, कुछ हमारी नेग्लिजेंस की वजह से भी हैक होते हैं, नो डाउट. मिस्टर रिसर्चर बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं आप इससे. स्पाइडर कहते हैं आप पक्का जॉब दिलवा दोगे. देखो जॉब दिलवाना मेरे हाथ में नहीं है, हम आपको बेस्ट पढ़ा सकते हैं, आप उसको बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर इंटरव्यू जो भी कंपनीज की रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है हम आपका जरूर नाम देंगे, ठीक है ना. आप उस इंटरव्यू को फाइट कर लेंगे तो आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है ना. ऑफिशियल हैक, आप प्लीज ऊपर जो मैंने फॉर्म दे रखा है आप उसे फिल कर लें, आपको करियर गाइडेंस मिल जाएगा. हमारे जो कोर्सेज चलते हैं आप उसको भी कर सकते हैं, आपको वो भी पता चल जाएगा. यह साइबर सिक्योरिटी स्ट्रीम इज वेरी बेनिफिशियल. अगर आप बीसीए कर रहे हैं तो आप जरूर करें, हमारा 1 ईयर का, 6 मंथ्स का, सबका कोर्स है. आप ऊपर फॉर्म भरें, आपको जरूर मिलेगा. हमारे जो एकेडमी के कोर्स हैं वो आपको अच्छी जानकारी, बेहतर जानकारी इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद मिल जाएगी. हमारी टीम ऑटोमेटिकली आपको कॉल कर लेगी, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं, अच्छे कोर्सेज हैं, सबसे फ्यूचर बन सकता है अगर आप मेहनत करते हैं हमारे साथ. तो आपकी सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा रहेगा और डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हैं. मिस्टर रिसर्चर बोलते हैं डिफरेंट एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन टाइप्स. आप पूरा एक बार लाइन दोबारा लिखें मिस्टर रिसर्चर, मेरे को नहीं समझ में आ रही आपकी बात. विशाल इज सेइंग हाउ टू बाय द कोर्स. एक्चुअली एक हमारे पास 1 ईयर डिप्लोमा होता है और एक हमारे पास मेंबरशिप कोर्सेज है. आप कौन सा लेना चाहते हैं? मेंबरशिप कोर्सेज तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगा लिंक नीचे, आप मेंबरशिप में अप्लाई कर सकते हैं. और अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं 1 ईयर का, तो ऊपर जो फॉर्म्स दे रखे हैं ऊपर देखो पिंट हो रहे हैं फॉर्म्स, उसको फिलअप करो तो आपको मिल जाएगा. रोहित कहते हैं मैम आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे वीडियो बनाओ. यस सब पे वीडियोस आएगी, मैं लेकर आऊंगी सब पे, डोंट वरी. वाओ स्पाइडर यू लिव इन राजस्थान, आओ कभी कोटा मिलने आओ. ओके सो आई थिंक सबके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं.
कल सेशन मैं फिर लेकर आऊंगी। कल का सेशन जो मेरा रहेगा वो 6 बजे अप्रॉक्स रहेगा, या मैं सुबह जल्दी ले लूंगी सेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑफिशियल हैक। आप फॉर्म तो भरो, आपको टीम अप्रोच करेगी, एक बार बात करो, देखो आप इंस्टॉलमेंट में अमाउंट दे सकते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट में दें। विशाल, 1 ईयर वाले में आपको कोडिंग पूरा सीखने को मिलेगा। देखो 1 ईयर वाला जो हमारा डिप्लोमा है उसमें आपको वेब एप्लीकेशन पूरा सीखने को मिलेगा। आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप वेबसाइट टेस्ट कर सकते हैं, आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन टेस्ट कर सकते हैं, आप उसमें नेटवर्किंग सीख सकते हैं, आप नेटवर्क सिक्योरिटी सीख सकते हैं, सोर्स कोड रिव्यू सीख सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। या स्पाइडर, डेफिनेटली मैं मिलूंगी आपसे, तो इसलिए कह रही हूँ जिस जिसको भी कोर्स लेना है आप एक बार ऊपर का फॉर्म भर दो, हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी, आप सारी चीजें उनसे पूछना, आपको हर चीज की बहुत मतलब हर चीज बहुत विस्तार में मिलेगी। और आप एक पूरा बंडल पैक लेंगे जिसमें लाइव ट्रेनर आपको पढ़ाएगा, लाइव डाउट्स भी सॉल्व होंगे, टेस्ट भी होंगे, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सब कुछ होगा। सो ऊपर का फॉर्म आप जरूर भर दें। रिसर्चर, मैं देख रही हूँ आपके प्रीवियस मैसेज, रुक जाओ। विशाल, आई थिंक आई एम क्लियर टू यू। रिसर्चर बोलते हैं, आई फाउंड आउट देर आर 3 टाइप्स ऑफ HTTP ऑथेंटिकेशन दैट इज यूज इन सर्वर। दे आर बेसिक, डाइजेस्ट, NTML। कैन यू इलाबोरेट दिस मिस्टर रिसर्चर? एक्चुअली आज की जो वीडियो है वो मैंने एक ब्रूट फोर्स पे बनाई है, एंड ये बेसिक पार्ट है। ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर चीज की वीडियो, क्योंकि जो आपके पोस्ट होगा के एक्सपर्ट लेवल तक की वीडियोस हैं उसमें ये तीनों चीज एक्सप्लेन है बहुत अच्छे ढंग से, तो बेटर तो ये रहेगा कि आप अगर थोड़ा सा वेट कर सके तो मैं इस सब का प्रैक्टिकली आपको परफॉर्मेंस दिखा दूंगी। अदरवाइज ये होगा कि अगर आप सिर्फ थ्योरिटिकल सुनेंगे तो शायद डाउट रहे और समझ ना आए, इसलिए आई एम सेइंग। सो होपफुली आई एम क्लियर टू एवरीवन। अब जिसके जो भी क्वेश्चंस है प्लीज विंडोज में डालें, चैट विंडो में डाल दें। ठीक है, मैं घर के लिए निकलती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरा लाइव सेशन अटेंड करने के लिए, होपफुली आपको अच्छा लगा हो। प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो आपको दिखता भी होगा, एंड डेफिनेटली आपके कमेंट से मोटिवेट होके और अच्छा वीडियोस लेकर आएंगे। अभी तक मेरे गैप्स में वीडियोस आते थे, अब मैं रेगुलर वीडियोस लाऊंगी, सारे वीडियोस आएंगे, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है ना, मेंबरशिप के भी वीडियोस आएंगे। मैं कल से मेरा एक इंग्लिश चैनल भी शुरू हो रहा है, तो जो इंग्लिश चैनल्स पे आना चाहें वो इंग्लिश चैनल पे भी आए, लिंक्डइन पे आप हमसे कनेक्ट हो, ट्विटर पे आप हमसे कनेक्ट हो, और जिसको भी कोर्सेज से रिलेटेड डाउट है वो प्लीज इस फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है, सो हेयर आई एम लीविंग नाउ। इंस्टाग्राम पासवर्ड हैक करो ना, ऐसे नहीं हैक होता है, उसके लिए आप ऑब्वियसली ब्रूट फोर्स लगा सकते हैं, आप उसमें और टेक्निक्स भी लगा सकते हैं जो सिखाया जा रहा है हैकर वर्ल्ड। आप पहले वो तो सीख लो, इंस्टाग्राम फेसबुक, इंस्टाग्राम फेसबुक से क्या करना है। बट ठीक है, जो आपका डाउट है आप एक बार इसको ब्रूट फोर्स लगा के चेक करो, जो आज मैंने प्रैक्टिकल दिखाया वो आप अपने इंस्टाग्राम पे ट्राई करो ना, समझ में आएगा। रोहित, मंथली पेमेंट होती है कोर्स की, आप टेंशन फ्री रहो, आप इस फॉर्म को फिलअप करो, सब चीज मिलेगा। मितनिक, मैंने आपको यही बताया, BCA के साथ साइबर सिक्योरिटी कोर्स बहुत वंडरफुल रहेगा, आप करो। ठीक है ना, आप ऊपर फॉर्म को फिलअप करो, आपको सारी चीजें मिलेंगी। अरे मितनिक, आप बार बार पेस्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग सब, पहले एक बार समझ लेना। रोहित, आप ऊपर का फॉर्म भरें, जिस जिसको भी डाउट है आप ऊपर का फॉर्म भरें, आपको मंथली पेमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा, आपको हर चीज मिलेगी। कल हमारे पर्सन यहाँ से कॉल कर लेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
इमोर्टल वेब, थैंक यू सो मच। प्लीज आप लाइक ठोकें, आप अच्छे कमेंट्स दें जिससे हम और मोटिवेट हो, मतलब आप हमारी वीडियोस को इतना पसंद करें, आप हमें इतना मोटिवेट करें, इतना अच्छे कमेंट्स दें, इतना शेयर करें वीडियो कि हम दिन रात एक कर दें, आप लोगों को वीडियो बना के दें और अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पूरे यूट्यूब पे एक ये हमारा चैनल इस तरीके से चले जो एक लेमेन भी सीख सके, एक प्रोफेशनल भी सीख सके, एक करियर के रूप में आप ले सके। ठीक है, सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम एक नॉलेज आपको दे रहे हैं, तो उसके बदले आप हमें कमेंट्स तो जरूर दे सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आप मैं एंड करती हूँ। ओके, मैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। नो नो इश्यूज मिटनिक, आपका मैंने आंसर दे दिया है। बीसीए के साथ साइबर सिक्योरिटी बहुत बेनिफिशियल रहेगा और उसी के लिए मैं बोल रही हूँ आप ऊपर फॉर्म भी फिलअप कर दें। रोहित वेरी गुड, आपने मंसूर से बात करी होगी, वेरी गुड, आप प्लीज बात करते रहें। दीदी योर क्वालिफिकेशन, माय क्वालिफिकेशन इज बेसिकली आई हैव डन बीटेक फ्रॉम सीएस, देन आई हैव डन माय कोर्स सीईएच फ्रॉम ईसी काउंसिल, आई हैव डन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कोर्सेज ऑल्सो एंड डिफरेंट सोर्स कोड रिव्यू कोर्स फ्रॉम ईसी काउंसिल एंड ऑल्सो आई हैव डन साइबर लॉ कोर्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो बेसिकली आई एम अ कंसल्टेंट, साइबर लॉ कंसल्टेंट, आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम अ साइबर कंसल्टेंट, साइबर लॉ कंसल्टेंट। ओके, सो अब मैं जल्द ही अपनी लॉ की डिग्री भी शुरू करने वाली हूँ, तो दिस इज माई क्वालिफिकेशन अभी तक। ठीक है, आगे जो भी हो गया, एंड ऑब्वियसली आई एम एन MBA ऑल्सो प्लस एंटरप्रेन्योर ऑफ फॉर टू कंपनीज रनिंग अ साइबर क्राइम सेल, सो दिस इज माई होल क्वालिफिकेशन एंड माई वर्क। रौनक यहाँ पे वीडियो है एनमैप की, आप जाएं हमारे हैकर ब्लॉग पे देखें, एनमैप की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मिटनिक आपने पूछा मुझसे क्वालिफिकेशन, मैंने आपको बता दी है। ओके, सो प्लीज आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और हमें मोटिवेट करें, आप हमें इस लेवल पे मोटिवेट कर देंगे, हम रात को सोएं नहीं और आपके लिए वीडियो पहले बनाएं बाद में सोएं, तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा ये चीज़। तो मतलब हम कंटेंट भी आपके लिए फिर छाट के लाएंगे और बहुत अच्छा लेकर आएंगे। ठीक है, सो हेयर आई एम एंडिंग द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड केयर, बाय बाय। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।